गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत ही कुछ पढ़ा था। प्रकाश के अपवर्तन की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिए थे। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, बोले तो लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे। देर आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर अपवर्तन के दो नियम होंगे। तो जैसे परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देर आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी दो नियम ही थे। ओके, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होंगे। तो हम पहला नियम देखते हैं, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। प्रथम नियम हम देख लेते हैं क्या होता है। बहुत ही आसान सा नियम है, वेरी सिंपल लॉ। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन में भी है। हम विद डायग्राम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इसका एक डायग्राम ले लेते हैं। अपवर्तन के लिए हमें पता है कि हमारे पास दो माध्यमों का युग्म होना चाहिए, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए, ओके, और हमारे पास ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये मीडियम फर्स्ट है, इसको हम बोले तो डेंसर मीडियम बोल लेते हैं। ये सघन माध्यम है, ये मीडियम सेकंड है, इसको हम विरल माध्यम बोल लेते हैं। बोले तो ये रेरर मीडियम है। ओके, अब ये हमारे पास दो माध्यम है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई प्रकाश किरण है वो इस पर ऐसे तिर्यक आपतित हो रही है, ऑब्लिक इंसिडेंट हो रही है। ये जो PQ है इसको हम इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं, आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। इसके लिए हम अगर अभिलंब खींचे तो ये इसके लिए अभिलंब आ गया। ये आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है जिसको हमने क्या बोल दिया, आपतन कोण आई बोल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहां से हम देखें तो लाइट रे इज ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेरर मीडियम। यहां पर आपतित प्रकाश किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जा रही है। इसका एक्चुअल पद देखें तो ये आएगा। तो हम ऊपर कॉन्सेप्ट, पहले वाले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि जब प्रकाश किरण है वो डेंसर टू रेरर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ऐसे डेविएट हो जाएगी ये। तो दिस इज एंगल आर हो गया, ठीक है। तो ये क्यू आर क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी। एम एन जो है वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो बोर्ड है ये क्या होता है, 2D में होता है। इसको हम प्लेन बोलते हैं, इसको एक तल बोल सकते हैं। यहाँ पर आपतित किरण पी क्यू है वो इस बोर्ड पर बनी हुई है, इसका मतलब ये इस तल में है, इस बोर्ड वाले तल में है। अभिलंब भी क्या है, इस बोर्ड पर बना हुआ है, तो ये भी इस बोर्ड वाले तल में है। और अपवर्तित किरण भी इस बोर्ड में बनी हुई है तो ये भी इसी तल में है। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है कि नहीं है, रहेगी नहीं है, है। यहाँ पर देखो तो इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे तीनों इस बोर्ड पर है, तीनों ही हमें दिख रही है तो इस बोर्ड पर ही है। तो तीनों ही क्या होंगे, इस एक ही प्लेन में होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड लाइट रे आर लाइज इन सेम प्लेन। ओके, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, वो हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्रेक्शन, अपवर्तन का प्रथम नियम है, बहुत ही आसान है। अब हम दूसरा नियम देख लेते हैं, वो हमारे देखो द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम,
अपवर्तन में हम इसी नियम को आगे काम में लेंगे। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। सेकंड लॉ, या इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट नियम है, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि स्नेल का नियम लिखिए, या क्या पूछ सकते हैं, राइट द स्नेल से लो। और इसी लो को हम आगे बड़े डेरिवेशन में यूज में लेंगे। हम आगे प्रिज्म पढ़ेंगे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे और लेंस पढ़ेंगे, तो सभी से प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन ही होगा, रिफ्रैक्शन ही होगा। तो रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड उसके लॉज ही यूज में लेंगे। तो हाँ, यहाँ वहां पर हम स्नेल्स लॉ काम में लेंगे। अब स्नेल्स लॉ को समझो, क्या होता है स्नेल्स लॉ। ओके, अब देखिए, अगेन हम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं। ओके, हमारे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक ये मीडियम है, इसको हम मीडियम फर्स्ट ले लेते हैं। मान लिया कि ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। ओके, सघन माध्यम है ये। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। ये सेकंड मीडियम है, मीडियम सेकंड हो गया। ये कैसा माध्यम है? रेरर मीडियम है, वीरल माध्यम। ओके, अब कोई प्रकाश किरण है वो इस पृथक्कारी पृष्ठ पर ऐसे तिर्यक आपतित हो रही है। हम बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत बार डायग्राम बना चुके हैं। ये इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल हो गया। आपतित किरण है वो अभिलंब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है। इंसिडेंट रे मैक्सिमम एंगल विद नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस एंगल। इसको आपतन कोण बोलते हैं। इसका एक्चुअल पाथ ये हो गया। यहां से देखें तो ये डेंसर टू रेरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये एंगल क्या हो गया? आर हो गया। ओके, अब देखिए, किसी भी मीडियम का, किसी मीडियम की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। वो जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, उसको हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी जो माध्यम होता है उसमें एक अंतर्निहित गुण होता है, उसके अंदर ही एक गुण निहित होता है। उस गुण को हम क्या बोलते हैं? उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो अलग अलग माध्यमों का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने माध्यम है? दो माध्यम है। एक अपना डेंसर मीडियम है, दूसरा अपना रेरर मीडियम है। तो दोनों का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। मान लिया कि इसका कितना है? N1 है, और इसका कितना है? N2 है। ओके, तो ये जो N1 और N2 है वो अपवर्तनांक को शो कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहे हैं। N1 किसको शो कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, मीडियम फर्स्ट के, फर्स्ट मीडियम है इसलिए N1 ले लिया है। ठीक है, तो N1 किसको शो कर रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, एंड N2 शोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। N1 है प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक को, और N2 द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त कर रहा है। अब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जस्ट इसके बाद में ही हम माध्यम के अपवर्तनांक को समझेंगे। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो, यहां से देखो, अपनी लाइट रे है वो कौन से मीडियम में इंटर कर रही है? आ कौन से मीडियम से रही है? फर्स्ट मीडियम से आ रही है। बोले तो N1 जो अपवर्तनांक है उस वाले माध्यम से आ रही है, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से आ रही है। और रिफ्रैक्टेड रे जारी कौन से है?
सेकेंड मीडियम में जा रही है, बोले तो एन टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही है, बोले तो इंसिडेंट एंगल कौन सी मीडियम में है, एन वन मीडियम में है, और रिफ्रेक्टेड एंगल कौन सी मीडियम में, एन टू मीडियम में। ये बात आपको याद नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना है, रटने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। ओके, आगे हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए सेकंड लॉ क्या कहेगा, स्नेल्स लॉ क्या होता है, फॉर द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मीन्स एकवर्णीय, एकवर्णीय बोले तो एक ही रंग का, सिंगल कलर लाइट होने चाहिए। स्नेल्स लॉ के लिए हमारे पास लाइट क्या होनी चाहिए, सिंगल कलर की होनी चाहिए। व्हाइट लाइट जो होती है वो सिंगल कलर की नहीं होती है, वो क्या होती है, सेवन कलर का कंपोजिट होती है। ओके, तो व्हाइट लाइट हम स्नेल्स लॉ में व्हाइट लाइट यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि व्हाइट लाइट में सेवन कलर होते हैं। तो स्नेल्स लॉ इज ऑबेड ओनली या वैलिड ओनली व्हाट, वन कलर लाइट फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज नॉट वैलिड फॉर द व्हाइट लाइट। ओके, तो सिंगल जो कलर की लाइट है वो अपनी कैसी भी हो सकती है, सेवन कलर में से कोई सी भी लाइट हो सकती है, जैसे आपकी रेड भी हो सकती है, वॉयलेट भी हो सकती है, येलो लाइट भी हो सकती है, ग्रीन लाइट भी हो सकती है, बट हमें लाइट कैसी लेनी है, वन कलर की लाइट लेनी है, सिंगल कलर की। और एक चीज तो आ गया कि हमें स्नेल्स लॉ में क्या चाहिए, वन कलर की लाइट चाहिए। सेकेंड क्या है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, अगर ये चीज है फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड द कंपोजिशन ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एन टू वन, एंड एन टू वन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। तो देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी एकवर्णीय प्रकाश, एक रंग के प्रकाश तथा दो निश्चित पारदर्शी माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया बोले तो साइन, आपतन कोण की जया बोले तो साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया बोले तो साइन आई, इसका अनुपात, यह अनुपात है ना, इसका अनुपात सदैव एक नियतांक के तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, नियतांक के तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, नियतांक के तुल्य होता है। और ये जो नियतांक होता है वो क्या कहलाता है, ये एंड क्या है, मैंने आपको बताया अपवर्तनांक होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। ये जो नियतांक होता है वो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर देखो आपके पास टू डिजिट है, एन टू वन, टू वन है, टू है जिसका, जिस माध्यम का अपवर्तनांक है, और सेकेंड डिजिट शो करता किसके सापेक्ष है, यहाँ पर एन टू वन शो ये कर रहा है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है लेकिन किसके सापेक्ष है, पहले माध्यम के सापेक्ष है। तो ये तो किसको शो कर रहा, सापेक्ष अपवर्तनांक को। हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तनांक के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, दैट इक्वल टू क्या होता है, एन टू बटे एन वन, एन टू वन, देखो टू पहले तो एन टू ऊपर आ गया, वन बाद में तो एन वन नीचे आएगा, तो एन टू वन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, एन टू अपॉन एन वन आएगा। ओके, तो एन टू क्या है, एन टू जो होगा यहाँ पर देखिए, एन टू वन हमारे पास तीन यहाँ पर क्या आए हैं, क्वांटिटी आई है, एन टू वन राशि आई है, ये आई है। एन टू वन क्या होगा, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये तो सापेक्ष हो गया, किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, किसका, दूसरे का, ये किसी के सापेक्ष नहीं है, ये क्या होगा, केवल दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, किसी के सापेक्ष नहीं है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये किसका है, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक है, ये किसी के सापेक्ष नहीं, ये सापेक्ष होगा, ये क्या है, सीधे ही है, किसी के सापेक्ष नहीं है, सीधे क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है।
अब देखो अगेन देख लेते हैं कि स्नेल का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी एकवर्णीय प्रकाश तथा दो निश्चित पारदर्शी माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियतांक के तुल्य होता है, और ये जो नियतांक होता है वो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसमिटेड मीडियम द रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ ए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ओके, तो साइनाई और साइनार का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। ओके, बात समझ में आ गई। आगे अब देखो इस स्नेल्स लॉ को हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो इसको पहले देख लेते हैं। N21 क्या है, N21 यहाँ पर देखो दो डिजिट है, 2 and 1। 2 क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, 1 क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। लेकिन ये एक साथ आ गया तो ये क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा। रिलेटिव बोले तो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में है, तो जो फर्स्ट मीडियम, जो फर्स्ट डिजिट है वो शो करेगा किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, और सेकेंड डिजिट ये शो करेगा किसके रिस्पेक्ट में है। तो फर्स्ट क्या है, 2 है, तो 2 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये किसको शो कर रहा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो ये तो रिलेटिव आपका क्या हो गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया। यहाँ पर N2 और N1 अलग अलग है, ये क्या होंगे, इस ये रिलेटिव नहीं है। ओके, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को। आगे पढ़ेंगे, N21 इज ओनली द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, नॉट किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ओके, N1 इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो देखिए स्नेल्स लॉ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से हम अगर इसका और इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो क्या आएगा, N1 साइन ए आई दैट इज इक्वल टू N2 साइन ए आर। इस फॉर्म में भी हम स्नेल्स लॉ को लिख सकते हैं। अब देखो इस डायग्राम से और इस स्नेल्स लॉ में देखो, यहां पर स्नेल्स लॉ को जो हम अप्लाई करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखो साइन आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, N1 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कोण से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में N1 में, तो आई एंगल N1 में है, तो साइन आई के साथ उसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा। देखो साइन आई इंटू N1 इंटू साइन आई, N1 इंटू साइन आई, और R एंगल है वो N2 में है, तो साइन N2 इंटू साइन R। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, जरूरी नहीं कि यह N1 ही हो, मान लो कि ये N2 हो गया तो ये क्या हो गया N1, तो स्नेल्स लॉ ये लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, दैट इज रॉन्ग। उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए आई एंगल वो किस में बन रहा है, N2 में, तो इस कंडीशन में ये क्या जाएगा, N2 इंटू साइन आई, और R एंगल किस में है, N1 में, तो ये क्या जाएगा, N1 इंटू साइन आर। तो ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि स्नेल्स लॉ को किस कैसे लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है। तो जिससे मीडियम में या जिस मीडियम में आपका एंगल आई है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स साइन आई से मल्टीप्लाई होगा, और जिस मीडियम में आर एंगल है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो साइन आर से मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब देखिए इसको हम देखें यहां से, तो N21 दैट इज इक्वल टू क्या होता है, N2 डिवाइडेड बाई N1, ओके और नॉट होगी। मैं N2 को नीचे भेज देता हूं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, N2 अपॉन N1 अपॉन N2, इसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में नहीं आया ना, अरे इसमें समझने वाले क्या बात है, N2 को नीचे लेके आए हैं और कुछ नहीं किया। ओके, अब देखो ये क्या है, N1 बटे N2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नीचे वाले को 1 अपॉन N1 अपॉन N2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो 1 2 एंड 1 2,
तो एन टू वन इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एन ए वन टू होता है। ओके ओके, ये स्नेल का नियम है, ये सबको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है? ओके, अब देख ये दो नियम होंगे किसके, अपर तरीके, ये दो नियम में होते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास इस स्नेल के नियम में एक क्या है, क्वांटिटी आई है, क्या, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। अब हमें अपवर्तनांक को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो माध्यम का अपवर्तनांक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसको समझना अच्छे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है इसको हमें समझते हैं अच्छे से। ओके, तो हम इसको हमें अगले वाले वीडियो में देखेंगे, अभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इस अगले वाले वीडियो में है, इसको हमें देख लेते हैं।